जय बद्री विशाल। दोस्तों आज हम एक बार फिर से आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर लेके जा रहे हैं। 2024 की यात्रा शुरू हो रही है और आज हम ये यात्रा आपको जोशीमठ के नरसिंह मंदिर, जहां से बद्री विशाल की यात्रा शुरू होती है, वहां से बद्रीनाथ तक एक एक जानकारी आपको तुरंत ताज़ा जानकारी के साथ आपको पूरी यात्रा करवाएंगे। सबसे पहले कल 9 मई को यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ जी का गरुड़ छाल मेला होगा और उसके साथ ही यहाँ पे मुख्य पुजारी रावल जी और तेल कलश यात्रा जो है गाड़ू घड़ी यहाँ पहुँचेगी। और ठीक 10 तारीख को जब गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ के कपाट खुलेंगे तो नरसिंह मंदिर जोशीमठ से बद्री विशाल की जो डोली यात्रा है, तेल कलश यात्रा, मुख्य पुजारी रावल जी, गरुड़ जी की मूर्ति, ये सब जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए रवाना होगी। और सड़कों पे इस समय उत्साह दिखाई दे रहा है, हर कोई बद्रीनाथ धाम पहुंचने लगा है। सड़कों पे गाड़ियां एकदम सर पर दौड़ रही हैं, सड़कें दुरुस्त हो चुकी हैं और आस्था का इतना उत्साह है। सड़कों पे कहीं साधु संत सन्यासी तीर्थ यात्री कोई नंगे पैर जा रहा है तो कोई कैसे जा रहा है, ये भगवान बद्री विशाल, बाबा बद्री विशाल का आशीर्वाद है। जो रंगत होती है यात्रा की वो दिखने लगी है। और इस समय जो उत्तराखंड की सड़कें हैं, अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो और देखोगे तो हर तरफ आपको इस समय अलग ही उत्साह चारधाम यात्रा का देखने को मिलेगा। कोई बाबा केदार के धाम तो कोई गंगोत्री, कोई यमुनोत्री। और सड़कें देखिए, जहाँ ख़राब है वहाँ पे इस समय सारा काम चल रहा है, तेज़ी से सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है क्योंकि यात्रा बहुत अच्छी हो, इसलिए इस समय तेज़ी से काम चल रहा है। बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने में अभी 4 दिन का समय शेष है, ऐसे में हर कोई इस समय तैयारियों में जुटा है और सड़कों पे गाड़ियां एकदम सरपट दौड़ रही हैं। मौसम थोड़ा सा ठंडा बहुत है, दिन के समय में गर्मी है लेकिन सुबह शाम ज़बरदस्त ठंड है। और जब आप यात्रा पे आएँ तो योग बद्री पांडुकेश्वर मंदिर, जब जोशीमठ से डोली यात्रा पहुंचेगी तो वो दूसरे पहले दिन 10 तारीख को पांडुकेश्वर यहीं जाती है और यहाँ पे योग बद्री मंदिर है और कुबेर और उद्धव जो होते हैं वो यहीं पे मौजूद रहते हैं। और 11 मई को यहाँ से उद्धव कुबेर की मूर्ति के साथ डोली यात्रा आगे बढ़ेगी और बद्रीनाथ धाम पहुँचेगी। और इस समय हर तरफ यात्रा का उत्साह, घोड़े वाले, खच्चर वाले, और रास्तों का नज़ारा इतना खूबसूरत है, जगह जगह ग्लेशियर आपको इतना खूबसूरत यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठंड के साथ आपको ग्लेशियर के दीदार करने को मिलेगा, ये आज की तस्वीर है। हो सकता है कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको एक दिन बाद की, ये एक दिन पहले की देखने को मिले। और ये बद्रीनाथ यहाँ से अब 4 किलोमीटर रह गया है। और सबसे बड़ी बात, इस बार बद्रीनाथ धाम में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। शेष नेत्र झील, अराइवल प्लाजा, बहुत कुछ यहाँ पे नया बन चुका है। मास्टर प्लान के काम हो रहे हैं, पूरे बद्रीनाथ की कायाकल्प बदली जा रही है। आप भी कीजिए यहाँ किस तरह से काम चल रहा है। और ये देखिए इतना अद्भुत हो रहा है, हालांकि अभी काम चल ही रहा है लेकिन जब ये पूरा होगा तो बहुत अद्भुत बद्रीनाथ धाम की जो कायाकल्प होगी वो बहुत खूबसूरत होगा। और इतना बेहतर बन रहा है। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं हरिद्वार, हरिद्वार से जोशीमठ, जोशीमठ से सीधा बद्रीनाथ, अगर आपको चारों धाम करना है तो हरिद्वार आने के बाद आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ, 8 से 9 दिन का समय इस चार धाम यात्रा का होता है। और ये है जय बद्री विशाल, भगवान बद्री विशाल का मंदिर। देखिए बहुत बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिल रहा है। मंदिर के आसपास के जो जितने भवन थे सारे अभी लगभग टूट गए हैं। अब पीछे के साइड जो मकान है वो टूटने बाकी हैं। और इधर देखिए, ये सारा मास्टर प्लान का यहाँ पर इस समय काम चल रहा है ताकि जल्दी से बद्रीपुरी की कायाकल्प बदली जाए और भगवान बद्री विशाल के मंदिर को रंग रोगन कर सजा दिया गया है। इस पर बनी हुई तरह तरह की नक्काशियाँ इस समय सज गई है। नीचे तप्त कुंड है और ऊपर सीधा बद्री विशाल का मंदिर है, बीच में आदि केदारेश्वर का मंदिर है।
अगर आप लोग केदारनाथ नहीं जा पाते हो और केदारनाथ के दर्शनों के बाद ही बद्री विशाल के दर्शन करने होते हैं, तो ऐसे में अगर केदारनाथ नहीं जा पाते हो तो आप आदि केदार के दर्शनों के बाद आप बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। और निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंबरम, इसीलिए कहते हैं कि भगवान बद्री विशाल के चरणों से अलकनंदा निकलती है और आगे जब देवप्रयाग में जब ये भागीरथी में मिलती है तब ये गंगा बनती है। और ये देखिए यहाँ पे भी जो निर्माण कार्य है वो चल रहे हैं, अलकनंदा बह रही है। हालांकि इस समय थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो है पूरी तरह से तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बद्री विशाल का मंदिर इस समय एकांत में बिल्कुल अपना स्वर्ण रूप की जो छतें हैं वो दिखाई दे रही हैं। और इसके जब द्वार खुलेंगे 12 मई को, उसके बाद यहाँ अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। उसका उत्साह आज से ही दिखने लगा है हर तरफ। इस समय यात्रा का उत्साह, हर कोई जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहा है। कोई पैदल आ रहा है, कोई गाड़ियों में आ रहा है, कोई भंडारा लगाने पहुंच रहा है। बद्रीनाथ के जो भक्त हैं वो हमेशा सालों से यहाँ पे भंडारे लगाने के लिए आते हैं, देश के कोने कोने से। इस समय भी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी सी जो मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं उनके कारण थोड़ा सा परेशानी ज़रूर हो सकती है, लेकिन देखिए ये आपको मैं ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अगर बद्रीनाथ आएँ, पहले इस रास्ते से VIP जाता था लेकिन अभी फ़िलहाल 15 दिन VIP नहीं जाएंगे। लेकिन अब उसके बगल में जो प्रसाद की दुकानें थी वो तोड़ दी गई हैं, सभी चीज़ हटा दिया गया है और मंदिर को बिल्कुल अकेला एकांत में कर दिया गया है। मंदिर के आसपास आपको आप कहीं भी ज़्यादा बिल्डिंगें या फिर बड़े मकान देखने को नहीं मिलेंगे। और ये इस मंदिर को देख के एकदम कुछ अलग तो बात लगती है, क्योंकि बिल्कुल अद्भुत शैली में ये बना है। इसकी एक एक नक्काशियों का एक एक उसका एक एक अर्थ है, हर चीज़ के एक एक अर्थ है। इसकी जो छत है, इसका जो मुख्य सिंह द्वार ये सामने पे जो दिखाई दे रहा है, ये हर चीज़ का एक अलग अर्थ होता है। और अब इंतज़ार है सिर्फ 12 मई को जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। और पूरी तरह से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, मास्टर प्लान के काम हर तरफ चल रहे हैं। रास्ते जो हैं इस बार आपको ज़्यादा गाड़ियों की परेशानी नहीं होगी इस बार, क्योंकि पैदल रास्तों का निर्माण ज़्यादा कर दिया गया है, थोड़ा आपको ज़्यादा चलना पड़ सकता है, लेकिन परेशानी कहीं भी नहीं होगी। चाहे वो शेष नेत्र झील है, चाहे वो अन्य झील हैं, हर तरफ इस समय सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। लाइटें बहुत सारी लगाई गई हैं और बद्रीनाथ, पूरा बद्रीनाथ की बात करें अपने आप में इस समय हर कोई उत्साहित है, सजने लगा है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है। पहले एक दौर था अभी 2-3 साल पहले जब यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं रहती थी, लेकिन आज ये सब चीज़ हट चुका है। आज यहाँ पे संचार व्यवस्था हो गई है, फंसने जैसी कोई बात नहीं है। ये पूरा बद्रीनाथ पुरी का नज़ारा है, बस अड्डा नया बनना है। और अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बद्रीनाथ धाम में अभी होने हैं। और जब बद्रीनाथ की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचने लगे हैं। भले ही अभी कपाट खुलने में 4 दिन का समय हो, लेकिन यहाँ हर तरफ तीर्थयात्री और दुकान खोलने लगी हैं, दुकानों को सजाने लगे हैं लोग। अलग ही उत्साह जो यात्रा का होता है वो इस समय देखने को मिलने लगा है। और ये देखिए दुकानें यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं, किसी का सामान आ रहा है या फिर कोई काम कर रहा है, क्योंकि इस समय इससे पहले बद्रीनाथ में आने जाने नहीं देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आने दे रहे हैं। थाना शिफ्ट हो गया है, अब आप लोग बेफिक्र होके आ सकते हैं हर कोई। और तीर्थयात्री भी यहाँ पे पहुँचने लगे हैं, मतलब 3-4 दिन यहाँ पे होटल में स्टे करेंगे और यहाँ पे रहेंगे। हर कोई बद्री विशाल के मंदिर के बाहर जाकर मत्था टेक रहा है। और जल्द से
जब भी कपाट खुले तो वो फट से दर्शन करे, फिर यहाँ से निकलेगा। और देश का पहला गांव माणा भी लोग पहुँचने लगे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग आ चुके हैं। ऐसे में अब सिर्फ इंतज़ार है 12 मई का, जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो या फिर बद्री विशाल और बाबा केदार की जो अपडेट है ताज़ा, उनको देखनी है, उनके बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। आप सभी को बाबा बद्री विशाल और बाबा केदार ज़रूर बुलाए।